गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस के क्रिएटर 77 में। आज स्टार्ट करने वाले हैं घर को कलरफुल कैसे बनाएं, गुलदस्ते में कलर कैसे फिट करें। छोटी छोटी एलईडी फिट की हैं, ये मस्त लग रहा है। स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, लेट्स गो। फिर उसके बाद 22 के रेजिस्टेंस एक ज़रूरत पड़ेगा, मेरे पास हैं ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। और 10 के भी रेजिस्टेंस ज़रूरत पड़ेंगे। इसी के साथ में तीन चार चीज़ें हो रहे हैं, और ये 47 UF कैपेसिटर था, और आपको दिखाते हैं छोटी ये बेसिक चीज़ें हैं, यही चार पांच चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो आपको दिखा देते हैं। ये IC है, ये NE555 है, मेन IC है, इसी की वजह से लाइट लपटुम होती है। ये 22 NF है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इन्हें कैसे फिट करेंगे उसे बताएंगे। आप जितने कलर चाहें उतने कलर लगा सकते हैं, या LED जितनी चाहें उतनी LED लगा सकते हैं। मेरे पास वही 15 से 20 LED हैं, इनको आपको दिखाएंगे। फोल्ड में कर रहा हूँ इसलिए जिससे कि कुछ यूनिक लगे, अलग तरीके से लगे, दिखाई दे। इसे भी उसी तरीके से फोल्ड करते हैं जिस तरीके से बैग पे लिखी थी। ये देखिए, इस तरीके से इन्हें फिक्स करेंगे कौन सा अच्छा लगेगा। नीचे बल्ब अच्छा नहीं लग रहा, शायद ऊपर करें या नीचे, ये लोग नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। इसे ऊपर करते हैं, सही है, ऊपर सही है। इसी तरीके से यहाँ पे इसे आयरन शोल्डर से फिक्स कर देते हैं, ऊपर करके फिक्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में थोड़ी सी मैंने फास्ट कर दिया है इसमें कुछ चीज़ों को, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। इसे यहाँ पे लगा दे आयरन शोल्डर से, पहिया से फिक्स कर देते हैं। तीन बल्ब एक में फिक्स करेंगे, माइनस माइनस में रहेगा, प्लस प्लस में रखेंगे। ये देखो, तीन बल्ब हो गए हैं। इसी तरीके से आप सारे बल्ब को जोड़ सकते हैं, या आप कोई नई डिज़ाइन बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। ये एक लंबी सी रही कतार, इसी तरीके से आप बल्ब जितने चाहें उतने लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बल्ब जलेंगे और अच्छी तरीके से जलेंगे। इन्हें सही कर लेते हैं, तिरछे कोई बल्ब तार आपस में टच ना हो रहा हो माइनस प्लस, ये चीज़ का आप खास कर ध्यान रखें। इसे देखते हैं ये सही, मैंने माइनस प्लस जोड़े हैं या नहीं जोड़े हैं, चेक करते हैं। ये सारे बल्ब जल रहे हैं, माइनस प्लस तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बल्ब नहीं जला है मैंने, वो पहले चेक भी नहीं किया था। ऐसा भी हो सकता है ये फ्यूज हो बल्ब, मतलब वो मैं चेक कर लूँगा, वीडियो में नहीं दिखाऊँगा, मेरी वीडियो लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगी। ये रही लंबी कतार बल्बों की, मैंने तीन बल्ब इसलिए फिक्स किए, तीन बल्ब का जोड़ा अच्छा लगता है, या गुब्बारे या कुछ भी हो। ये रही पिन, इसे अच्छे से जोड़ लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें मैं पिन 4 और पिन 8 को जोड़ रहा हूँ। अभी मैं इसका ऊपर दे रहा हूँ किस तरीके से इसकी पिनें जोड़नी है, ऊपर से आपको दिखा देंगे, साइड में दिखने को मिल रहा होगा जो चित्र है, इसी से देख के सारे पिनें आप जोड़ सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज करेंगे तो मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। और इधर से ये नीचे से दूसरी पिन, और उधर से दूसरी पिन, अभी आपको बताएंगे कौन सी पिन में जोड़ना है। सही सही से रख लेते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ मैंने जोड़ा है, एक तो हो गया था 4 और 8, और जो दूसरी साइड में है वो मैंने जोड़ी थी दूसरी पिन, और नीचे से दूसरी साइड में जो पांचवी पिन थी उसमें मैंने ऐड किया था। दोनों जोड़ देते हैं, और उसके बाद जो ये रेजिस्टेंस है 22K का, इसे भी आराम से जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर पिन में जोड़ देते हैं, अब इसे घुमा के 6ठी वाली पिन में जोड़ देते हैं। बहुत सिंपल है, आसानी से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अच्छे से फिक्स कर दिया आयरन शोल्डर से। अब 10K का रेजिस्टेंस लेंगे, ये तो सही हो गया।
ये रहा 10 के रेजिस्टेंस, इसको 5 पिन 8 में और पिन 7 में ऐड कर देते हैं। और जो दूसरा वाला 22 के रेजिस्टेंस था उसमें मैंने गलत बोल दिया था, वो पिन 6 और 7 में था, गलती से मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको बता दिया पहले ही। इसे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं जिससे कि घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था ये क्या है, 47 UF है। इसे पिन फर्स्ट और सेकंड में जोड़ेंगे, और जो फर्स्ट पिन में जुड़ेगा वो माइनस में माइनस का रहेगा, और जो सेकंड में रहेगा वो प्लस का रहेगा। इस चीज़ का आप खास कर ध्यान रखें, गलती ज़्यादातर यहीं पे होती है, कोई सा भी किसी में लगा देते हैं, वो आपको नहीं करना है। ये तो फिक्स हो गया है, अब ये माइनस का रहा, दूसरी साइड दूसरी वाला पिन का प्लस में है। अब यह 22 NF है, इसे पिन 5 में लगाएंगे, ये भी फिक्स हो गया है, पिन 5 में फिक्स कर दिया आयरन शोल्डर से। अब ये जो वायर है जो मैंने अब इसमें जो माइनस है बल्ब में जो बड़ा वाला है ये माइनस है, शायद चेक कर देते हैं फिर से, हाँ बिल्कुल सही है। अब जो माइनस वाला है, जो ये माइनस वाला है, इसे पिन नंबर 1 में लगा देते हैं, माइनस माइनस में ही रहेगा। इसे अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया पिन नंबर 1 में, फिक्स करने के बाद ये मेरा वायर है, इसको आइसोलेट कर लेते हैं जिससे अच्छे से चिपक जाए, और ये प्लस में रहेगा। जो प्लस है वो पिन नंबर 3 में है, 3 नंबर में ले जाके आपको अभी बताएंगे, आगे पता चलेगा। ये देखिए प्लस में जोड़ दिया तार, ये एलईडी में और पिन नंबर 3 और एलईडी के प्लस में, आप ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। इसे रख देते हैं, और ये जो ब्लैक तार है इसे भी माइनस में लगा के उधर माइनस में लगा देंगे, एलईडी के माइनस में और UNNF के माइनस में जोड़ देते हैं। अब इसे जॉइंट करके देखते हैं सही जुड़ा है या नहीं, लाइट ब्लिप हो रही है या नहीं हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है अपने आप, इसे ब्लिप ब्लिप बोलते हैं, लाइट तो जली है, हाँ हो रही है, बंद चालू हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। ये अंधेरे में होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इस पेड़ में मैं इसे फिक्स करूँगा, ये पेड़ है इसमें अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे, देखते हैं फिर कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। आप घर में किसी भी तरीके के पेड़ हों या कुछ भी हो उस पर अच्छे तरीके से LED फिट करो तो घर को वो और सुंदर बनाता है, कोई भी चीज़ हो कलरफुल हो तो घर को सुंदर ही बनाएगा, ख़राब नहीं करेगा। मैंने इसमें फिक्स कर दिया है, शायद बल्ब ऊपर से नहीं दिख रहे हैं, अच्छी तरीके से करेंगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये देखिए ब्लू लाइट है, यदि यहाँ पे आप हरी लाइट रखते ग्रीन तो ज़्यादा अच्छी लगती, मैं नहीं उसमें लगा पाया। लेकिन और जो मेरे पास पौधे रखे हैं अभी आपको दिखाएंगे घर पर, इनमें हर एक पौधे में हर एक तरीके की लाइट फिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब इसे रखते हैं वहाँ पे जहाँ इसकी जगह है, ये रहा। ये देखिए आप इसके पास में ये और रखे हुए हैं, इसमें भी लगाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, वीडियो को आगे शेयर करें सभी को जिससे सब लोग अपना घर अच्छे से सजा सकें। थैंक्स।